हेलो दोस्तों, पूरब खमकर द टेक्निकल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का इको टब क्लीन ऑप्शन कैसे यूज़ करें। मेरे काफ़ी व्यूअर ने इको टब क्लीन वीडियो की डिमांड की थी, तो उन्हीं व्यूअर के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पावर ऑन करना है। यहाँ पर एक लाइट लगा होता है, वो लाइट आपको इको टब क्लीन ऑप्शन पर लाना होता है। बटन को घुमाते रहिए इको टब क्लीन ऑप्शन पर लाइट लाने के बाद में, और उसके बाद में आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद इसमें पानी शुरू हो जाएगा, तो पहला पानी आने तक वेट कीजिए। तब तक आपको क्या करना है, इस इको टब क्लीन ऑप्शन यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक स्केलिंग पाउडर होता है जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, या फिर जो टेक्नीशियन आपके यहाँ डेमो इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं उनके पास मिल जाता है। तो ये एक स्केलिंग पाउडर होता है, इसको आपको आधा पैकेट मग्गे में घोल कर रखना है। और इस तरह से ये हमने पहले 10 मिनट पहले इसे घोल कर रखा हुआ था पानी के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। और फिर अभी आप यहाँ से देख सकते हो पानी स्टार्ट हो चुका है मशीन के अंदर आने के लिए। सबसे पहले पानी प्री वॉश सेक्शन में गिरता है, मतलब ये वाले सेक्शन में, और यहाँ से फिर 5 मिनट के बाद पानी इस साइड में गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप डिस्प्ले के ऊपर टाइम कम होते हुए देख सकते हो। डिस्प्ले के बाजू में आपको यहाँ एक सिंबल दिखेगा, ये किसी मॉडल में होता है किसी में नहीं होता है, लेकिन जिस मॉडल में होता है वहाँ पर ये अगर ऑटोमेटिकली ब्लिंक करेगा रेड कलर में, तो आपको तब भी इको टब क्लीन ऑप्शन यूज़ करना होता है। यहाँ आप देख सकते हो ड्रम क्लीन लिखा हुआ है, लेकिन जिस मॉडल में नहीं लिखा होता है उनके लिए डेली वॉश यूज़ करना है आपको। यहाँ पर 60 डिग्री पर आपको हीटर सेट कर देना है, उसके बाद में लास्ट वाला बटन है सोक, मतलब भिगो के रखना, इसे भी आपको ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है, ये वाला स्टार्ट कर देना है। ये उनके लिए जिनके मशीन में इको टब क्लीन ऑप्शन कंपनी ने नहीं दिया होता है। और स्टार्ट करने के बाद में आपको यहाँ पाउडर डाल देना जो हमने मग्गे में घोल के रखा हुआ था, लेकिन ये उनके लिए जिनके मशीन में इको टब क्लीन ऑप्शन नहीं है। अभी आप देख सकते हो पानी यहाँ अंदर टब के अंदर आ रहा है। जिनके मशीन के अंदर इको टब क्लीन ऑप्शन नहीं है उन्हें इमीडिएटली पाउडर डालना होता है, लेकिन जिनके मशीन में इको टब क्लीन ऑप्शन है उनको सेकंड वाटर सप्लाई में पानी डालना होता है, मतलब सेकंड टाइम जब पानी लेगी मशीन तब आपको पाउडर डालना होता है। अभी देखिए ये फर्स्ट पानी अंदर घूम रहा है, मतलब पहली बार जिसने पानी लिया मशीन ने वो पानी अंदर घूम रहा है। ये 5 मिनट तक काम करेगा और फिर पानी को ड्रेन कर देगा। ये उसके लिए होता है जिनके मशीन में इको टब क्लीन ऑप्शन है ऑलरेडी, उनके लिए कैसा है कि आपको पहले पानी आने देना है, मशीन इस तरह से पानी घुमाएगी, मतलब धूल मिट्टी निकाल देगी, 5 मिनट के बाद में पानी ड्रेन कर देगी। ये देखिए आप देख सकते हो पीछे जो पाइप है वहाँ से पानी बाहर ड्रेन हो रहा है, यहाँ देख सकते हो आप पानी बाहर निकल रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनके मशीन में इको टब क्लीन ऑप्शन है ये प्रोसेस उन्हीं को करना है, मतलब सेकंड टाइम जब पानी लेगी मशीन तब आपको ये पाउडर डालना होता है। और जिनके मशीन में इको टब क्लीन ऑप्शन नहीं है उनको इमीडिएटली पाउडर डाल देना होता है पहले ही पानी में। कुछ देर तक ये मशीन को घुमाएगी और फिर सेकंड टाइम पानी लेगी, तब हमको मग्गे में जो हमने पाउडर घोला हुआ है वो पाउडर हमको वहाँ डालना है जहाँ पर आप सर्फ एक्सेल, रीन, टाइड एरियल, जो भी आप यूज़ करते हो डिटर्जेंट पाउडर, वहाँ पर ही आपको ये पाउडर डाल देना होता है। अभी आप देख सकते हो टाइम भी कम हो चुका है, करीब 8 मिनट लिया उसने पहला पानी निकालने के लिए। अभी ये सेकंड टाइम पानी आ रहा है, देखिए आप प्री वॉश सेक्शन में देख सकते हो 5 मिनट के बाद में यहाँ पानी आ जाएगा, 5 मिनट मतलब 2 मिनट में ही आ जाएगा, तब हमको ये पाउडर वहाँ डाल देना होता है।
अभी आप देख सकते हो पानी इस साइड में आ रहा है, पानी रुक रुक कर आता है, तो इसमें आप परेशान मत होइए। ये देखिए वापस से शुरू हो चुका है। अभी जब सेकंड टाइम पानी शुरू हो चुका है तो हम ये मग्गे वाला जो पाउडर हमने घोल के रखा हुआ था ये हम वहाँ पर डाल देंगे जहाँ पर आप सर्फ एक्सेल वगैरह यूज करते हो, मतलब सर्फ एक्सेल वगैरह डालते हो। ड्रम के अंदर थोड़ा पानी आने दीजिए पहले। अब ये मग्गे में हमने घोल के रखा हुआ था पाउडर, ये पाउडर आपको यहाँ डालना होता है। सेकंड टाइम पानी लेगी मशीन, उस टाइम आपको ये पाउडर डालना होता है। और जिनके मशीन में इकोटप क्लीन ऑप्शन नहीं है उनको स्टार्टिंग वाले पानी में ही पाउडर डालना होता है, ये मैंने आपको 3 से 4 बार बताया है। प्लीज़ आप इसे नोट करके रखिए कि आपको को आपके मशीन में कब पानी डालना होता है, मतलब पाउडर कब डालना होता है। अब हमने इसमें पाउडर डाल दिया है और इसको लगा देंगे। अब ये इसको टोटल चलने देंगे हम 2 घंटे तक। अब इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली चलेगी 2 घंटे तक ये अपना काम करेगी। जो भी स्केल वगैरह तैयार हुए स्केलिंग पाउडर से, ये सारी जो गंदगी होती है सब निकाल देगी। अब आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि मशीन पूरी बंद होने के बाद में आपको यहाँ खोलना होता है चेम्बर। ये खोलने के बाद में आपको ये वाला कॉक बाहर निकालना होता है, ये एक फिल्टर होता है जो टब क्लीन करने के बाद में जो भी गंदगी होती है यहाँ अटक जाती है, यहाँ से आपको सारी गंदगी साफ करनी होती है। अभी हम इसे खोल नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर टब क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। अगर हम इसे खोल देंगे तो ये सारा पानी बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं आप मशीन शुरू हो चुकी है टब क्लीन करना। इस तरह से होता है टब क्लीनिंग, शायद किसी वीडियो में बताया नहीं होगा इस तरह से लाइव, मैंने खास आप लोगों के लिए लाइव बताया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इस तरह से होती है प्रोसेस इकोटब क्लीन ऑप्शन की। ध्यान में रखिएगा जो फिल्टर वाला चैम्बर है ये आपको पूरी मशीन बंद होने के बाद में करना है, प्लग ऑफ करने के बाद में। ये वाला आपको चालू मशीन में नहीं करना है, मशीन को पूरा बंद होने दीजिए और फिर उसको साफ कीजिए। इसमें से थोड़ा सा पानी बाहर निकलेगा और काफ़ी गंदगी निकलेगी। आपके मशीन में इकोटब क्लीन है या नहीं है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको पाउडर कब डालना होता है। फिर भी आपको एक बार वापस मैं रिमाइंड कर दूँ, जिस मशीन में इकोटब क्लीन ऑप्शन नहीं है उसी मशीन में आपको स्टार्टिंग में ही पाउडर डाल देना होता है, पहले ही पानी में। लेकिन जिस मशीन में इकोटब क्लीन ऑप्शन है उनके लिए होता है कि मशीन जब सेकंड टाइम पानी लेती है उस टाइम आपको पाउडर की जगहों पर ही ये पाउडर डालना होता है, मतलब आप जहां सर्फ एक्सेल यूज़ करते हो वहीं पर आपको ये स्केलिंग पाउडर डालना होता है। कभी ये सवाल भी आता है कि इकोटब क्लीन कितने दिनों में करते रहे, तो आपको बता दूँ इकोटब क्लीन ऑप्शन हर महीने में एक बार करना होता है। कपड़ों में से निकली गंदगी और पानी में से आई हुई गंदगी, इन दोनों को निकालने का काम ये स्केलिंग पाउडर करता है। लेकिन ध्यान में रखिए स्केलिंग पाउडर आपको आपकी जिम्मेदारी पे लेना है, कोई भी कंपनी ऐसा पाउडर यूज़ करने के लिए सजेस्ट नहीं करती है। अब टब क्लीनिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद में मशीन जब बंद हो जाएगी तब आपको क्या करना है, तो ये चैम्बर आप यहाँ देख रहे हो नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है इसे खोलकर पूरा क्लीन कर देना जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया। लेकिन ध्यान में रखिए बॉक्स आपको तब साफ करना है फिल्टर जब ये टोटल बंद हो जाएगा, ये पूरा डिस्प्ले ये बंद होने के बाद में आपको यहाँ से प्लग ऑफ कर देना है, जहाँ पर भी आपने प्लग अटैच किया है ये प्लग ऑफ करने के बाद में आपको चेंबर साफ करना होता है, मतलब जो चेंबर में फिल्टर होता है वो साफ करना होता है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपको मशीन के किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।